आदिवासीज हैड ओनली वन ऑप्शन, दे हैड टू फाइट फॉर देयर सर्वाइवल. सच हैज बीन देयर हिस्ट्री, सच इज देयर प्रेजेंट. The people fought to save their land. Women and children slept in front of the bulldozers. The police beat up people with batons. The police arrested them. But the police could not break the morale of the people's struggle. Though powerless in an independent nation, they still possess the strength of their traditions and culture. The movement did not stay local. It soon spread to other far-flung villages. झारखंड आदिवासी विस्थापित बेरोजगार संघ ने घोषणा किया है, अगर फैसला होगा तो इसी गांव में होगा, इसमें कोई टालेगा नहीं, चाहे जमीन लेने देने का बात होगा और भी गांव वालों के सामने होगा. दमन की बात कहाँ है? दमन की बात सुनिए, एक मिनट. आप इतना छोटी बात है जो आपको जरूर समझना चाहिए. अगर दमन की बात रहती, ताकत की बात रहती, तो हम ताकत की बात करते, तो फिर आपसे ये पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं. आखिर आप बाहर के विदेशी तो नहीं है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपकी संपत्ति है, आपकी सब कुछ है, और ये कारखाना आपका नहीं है क्या? विदेशी कोई सी बात नहीं. पुलिस हम पर जिस तरह व्यवहार किया है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वहीं पर मरूंगा, अपना हक से मैं वंचित नहीं हूंगा. और मैं अपने साथियों को भी ये सबक देना चाहूंगा कि ऐसे अपना हक के लिए जो हम लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में, लेकिन हम लोग ऐसे हक पर अमल करके ही रहेंगे. ये संविधान के तहत जो भी हम लोग का राइट्स है वो हम लोग लेकर के ही रहेंगे. The struggle of the people was bringing in results. The first demand of the people was met. The company apologized for desecrating their sacred groves. The land around their sacred groves would not be acquired. Compensation, rehabilitation, and a job per person was promised. हमारा लड़ाई सिर्फ विस्थापितों को सिर्फ पुनर्वास के लिए लड़ाई नहीं था, कि सिर्फ उसको नौकरी देने का सिर्फ लड़ाई नहीं था. जैसे अभी अगर हम लोग पुनर्वास के लिए मांग करेंगे, या कोई बीमार जो व्यक्ति है, किसी को टीबी है या कैंसर है, उसको इलाज के लिए, बेहतर सुविधा के लिए अभी मांग अगर हम करते हैं, उसको दिया जा सकता है. लेकिन फिर अच्छे आदमी जो फिर बीमार हो सकते हैं, ये तो ये सिलसिला रहेगा. इसीलिए अच्छा है, हमारा मांग है कि ये यूरेनियम जिस स्थान पर था, पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे, वो उसी जगह पर रहने दिया जाए. और जिस तरह से सांप एक है, जो कि सांप अपना बिल में अगर शांति से रहता है तो किसी को खतरा नहीं पहुंचाता है, अगर उसको आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो छेड़छाड़ करने वाले और तमाम नजदीक में रहने वाले को ढांस सकता है, मार देगा.
गौतम बुद्ध हम लोग का है, जो बोंगा, ये इसी जमीन में पैदा हुआ है। लोग बोल रहे हैं गौतम बुद्ध बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है, ये जो नतीजा है इसे कभी खुश नहीं है। वो यहाँ जब हमारे आदिवासी भाई समाज के अंदर में जब विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं, टीबी और कैंसर से लोग मर रहे हैं, तो उसका आत्मा रो रहा है, हमारे पूर्वजों का आत्मा रो रहा है, गौतम बुद्ध का आत्मा रो रहा है। Mm-hmm.